रोहित शर्मा ने कल अपने 28वें शतक के दौरान 2019 में वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले विराट कोहली को पछाड़ दिया। उन्होंने 2019 में बेहतरीन प्रदर्शन किया। इससे पहले वह विश्व कप के सिंगल एडिशन में 5 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने और टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में सामने आए। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में 133 रनों के साथ साल की शुरुआत की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अर्धशतक जमाने से पहले न्यूजीलैंड पर मिली ऐतिहासिक श्रृंखला जीत में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 122 रनों की पारी खेलकर भारत को जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। अगले गेम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 57 रन के बाद रोहित शर्मा ने मैनचेस्टर में एक हाई वोल्टेज गेम में पाकिस्तान के विरुद्ध 140 रन बनाया। फिर सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में हार से पहले इंग्लैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाफ लगातार 3 शतक बनाए। वर्ल्ड कप के बाद वेस्टइंडीज में खराब वापसी के बाद रोहित शर्मा ने फिर शतक जड़ा, जो संयोग से 2019 में उनका देश में बनाया गया पहला शतक था।